5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। लोक अदालत में निपटाए गए सैकड़ों मुकदमे, जिले भर में 52 बच्चों के माध्यम से दिया गया न्याय, लोगों को आपस में बैठाकर मामलों का करा निस्तारण। एबीएनएल के भ्रष्ट जयन प्रवीण शर्मा को पहुंचाया जेल, शुक्रवार को फंसा था एसीबी के जाल में, 7,000 की रिश्वत लेते हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार। बिजली के खंभे से करंट आने से हुई दो गायों की मौत, फोन करने के एक घंटे बाद पहुंचे विद्युत कर्मी, गाय के मालकिन ने ठहराया बिजली विभाग को दोषी। चोरों ने एक मकान से उड़ाया हजारों का माल, दिन दहाड़े गुजर धरती में दिया वारदात को अंजाम, सोना और 50,000 नकद लेकर हुए 9-2-11। 62वीं लॉन टेनिस और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का हुआ समापन, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बांटे विजेताओं को पुरस्कार, विद्यार्थियों ने खेलों में दिखाया दम। लैब कर्मचारियों की हड़ताल का असर हुआ शुरू, जेलन अस्पताल में जांच का काम हुआ ठप, मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। आर्य समाज अजमेर में मनाया गया स्थापना दिवस, वैदिक यज्ञ कर किया मंत्रोच्चार, बड़ी संख्या में आर्य समाजियों ने लिया भाग। गुजर धरती में नाले से परेशान है लोग, कई बार गिर चुके हैं बच्चे, बीमारियों का कारण भी बना हुआ है नाला। भारत विकास परिषद की समूह ज्ञान प्रतियोगिता हुई, विद्यार्थियों ने गाए संस्कृत में गीत, सूचना केंद्र में हुआ कार्यक्रम। खबर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ। सिर्फ दावा नहीं, हकीकत है। अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज, केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें horizon हिंद न्यूज सच के साथ।